न्यूज 18 पंजाब दे महा ओपीनियन पोल दे विच भाजपा दी बल्ले बल्ले हुण तक 242 सीटां दे ओपीनियन पोल दे विच 174 सीटां ते बढ़त। इंडिया गठजोड़ नूं सिर्फ 56 सीटां, बाकी सीटां दा न्यूज 18 अज दसेगा हाल। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट की जारी। करनाल तो मनोहर लाल खट्टर नूं टिकट, सिरसा तो अशोक तंवर नूं भी बनाया उम्मीदवार। बीजेपी हाईकमान ने हिमाचल के हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर से मुड़ खेडिया दा। नागपुर तो नितिन गडकरी नूं टिकट, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ तो लड़नगे चोण। अज भाजपा च शामिल होणगे पटियाला तो कांग्रेसी सांसद परनीत कौर। दिल्ली दे विच बीजेपी के हैडक्वार्टर च करनगे ज्वाइनिंग, पहला ही भाजपा च शामिल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। अज अकाली दल दे विच वापसी करनगे जगीर कौर। सुखबीर बादल पार्टी दे विच कराउणगे शामिल, 7 नवंबर 2022 नूं पार्टी तो होए सन वक्त। अज दिल्ली दे विच होवेगी किसानां दी महापंचायत। एसकेएम ने रामलीला ग्राउंड ते सद्दिया वड्डी पंचायत, देश दे वख-वख हिस्सियां तो पहुंच रहे ने किसान। अकाली दल वल्लों सीए दा समर्थन, कहा इस दे नाल मुस्लिम देशां तो आए घट गिनती दे लोकां नूं मिलेगी भारत दी नागरिकता, पीएम ने लिया सही फैसला। सुखबीर सिंह बादल दी पंजाब बचाओ यात्रा जारी, मोगा दे बागा पुराणा दे विच यात्रा दे जरिए सुखबीर बादल ने जुटाया समर्थन, विरोधी धिरां ते सादे निशान। धीरूभाई अंबानी की 80वीं जयंती के मौके अंबानी परिवार पहुंचा जद्दी पिंड चोरवाड़। अनंत और राधिका के प्रीवेडिंग डिनर के लिए पिंड वालों को दिता सद्दा, कोकिला बेन भी समागम के खास तौर पर हुए शामिल। सत श्री अकाल, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू, उम्मीदा तुसी सारे खैरियत दे नाल होंगे। तां बुलेटिन की शुरुआत करांगे, सब तो पहला न्यूज 18 दे ओपीनियन पोल दे विच बीजेपी नूं बढ़त मिली है। बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है, 242 सीटां दे दस्सदी है कि पोल दे विच बीजेपी नूं 174 सीटां मिलदियां हुई नजर आ रही हैं। ते इंडिया गठजोड़ नूं दस्सदी है कि 56 सीटां मिल सकदियां ने और होरां दे खाते दे विच 12 सीटां जा सकदियां ने, बाकी सीटां दा न्यूज 18 अज हाल दसेगा। शाम 6 बजे तो रात 10 बजे तक महा ओपीनियन पोल होएगा। सो दस दईए कि बिहार दे विच कि जी है पार्टी बढ़त बना रही है, यह भी दसिया गया। इस तो इलावा केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, ये वक्ो वक् स्टेट्स का जिहड़ा है वह हाल दसिया कि आखिरकार लोगों की राय की हो सकती है और लोगों के दिल दे विच की है। तो यह मैगा ओपीनियन पोल के तहत 242 सीटों का हाल दसिया और किस तरीके दे नाल लोग सोच रहे ने। 174 सीटां एनडीए दे खाते आउंदियां होईयां नजर आ रहीआं ने। तां इंडिया गठजोड़ दा जिक्र कर लईए तां 56 सीटां हासिल हो रहीआं ने और 12 अदर्स नूं मिल रहीआं ने। तां वखो वख स्टेट दा जिक्र कर रहे हां कि आखिरकार किहड़ियां सीटां किस नूं मिल रहीआं ने। तां हरियाणा दीए दिखा रहे हैं तुहानूं ओपीनियन पोल, 10 दियां 10 सीटां एनडीए लेके जा रहे हैं। पूरा हाल यानी कि ओपीनियन पोल दस्या जाएगा। अगे वधांगे तां बीजेपी ने दूजी लिस्ट भी उम्मीदवारां दी जारी कर दिती है। करनाल तो मनोहर लाल खट्टर नूं टिकट दिती है, जिसका जिक्र न्यूज 18 पंजाब ने पहला ही कर दिता सी। अशोक तंवर नूं दस्सदे कि सिरसा तो उम्मीदवार बनाया गया है, बंतो कटारिया नूं अंबाला तो टिकट दी गई है, राव इंद्रजीत सिंह नूं गुरुग्राम तो उतारा गया है, भवानी महेंद्रगढ़ तो चौधरी धर्मवीर सिंह नूं टिकट दी गई है, फरीदाबाद तो कृष्णपाल गुज्जर नूं टिकट दी गई है। इस तो पहला भाजपा ने 2 मार्च नूं अपनी पहली सूची जारी की सी, उस दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत 195 उम्मीदवारों के नावों का ऐलान किया सी। तां हुण फिर तो एक होर जिहड़ी दूजी लिस्ट सामने आई है, बाकी रहिंदियां सीटां नूं ऐलान दिता गया। इसीलिए देश इस पार्टी को पसंद कर रहा है, देश चाहता है कि 400 पार करके मोदी जी विकसित भारत की जो मजबूत बुनियाद उन्होंने 10 वर्ष में रखी है, जो किसान मजदूर गरीब का सशक्तिकरण जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो नौजवान के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से कदम उन्होंने उठाए, 3 तलाक जैसा कानून वो ख़त्म कर दिया, नारी सम्मान के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया, तो ये जो चीज़ें हैं इससे और आगे बढ़ करके बहुत सी चीज़ें अभी करनी बाकी है।
तो उन सपनों के साथ हम भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। कहीं ना कहीं रतनलाल कटारिया जी के कई सपने थे जो कुछ रह गए थे, अब उनको पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे आप? मैं पूरी कोशिश करूंगी रतनलाल कटारिया जी के सपने पूरे करने की और अंबाला की जनता ये मुद्दे पर खरा उतर रही है। और नए मुख्यमंत्री जी की पत्नी सुमन सैनी जी भी अभी यहाँ पे पहुंचे थे बधाई देने के लिए। आज हम सीएमओ उसने नए मुख्यमंत्री को और पुराने मुख्यमंत्री दोनों से आशीर्वाद लेकर आए थे, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री जी का भी हमारे परिवार में एक पिता के समान ही उनका अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता था। उधर बीजेपी की दूजी लिस्ट दे विच 72 उम्मीदवार ऐलाने गए ने। हिमाचल प्रदेश दीआं 2 सीटां दा ऐलान इस दे विच होया है। हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर नूं मुड़ तो टिकट दित्ती गई है, शिमला तो सुरेश कश्यप नूं टिकट दित्ती गई है और पीयूष गोयल नूं मुंबई नॉर्थ तो उम्मीदवार ऐलानिया गया है। नितिन गडकरी नूं नागपुर तो टिकट दित्ती गई है। तो हिमाचल दीआं भी 2 सीटां ने जिस दे विच 2 नाम जिहड़े ने ऐलान दित्ते गए ने और इस दे विच इक वड्डा नाम हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर मुड़ तो इत्थों चोण लड़नगे। पहले टेस्ट दे विच हरियाणा की नायब सरकार पास हो गई है। विधानसभा दे विच नायब सरकार ने दस दी है कि प्रोसकी मता हासिल किया है, वॉयस वोट दे नाल ए फ्लोर टेस्ट जितया गया है। तो मनोहर लाल जी तो बहुत कुछ सीखा है, सीएम सैनी ने कहा। मनोहर लाल ने बहुत छोटे वर्कर नूं जिम्मेवारी सौंपी है, भाजपा दे विच ही संभव है, होर किते नहीं। हाँ तो मनोहर लाल जी ने पूरी जिंदगी प्रदेश नूं दित्ती है, यह भी कहते हुए नायब सैनी नजर आए। लोगों के साथ जुड़ने का, उनको मजबूत करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने आज इस विश्वास सरकार के अंदर चर्चा के अंदर भाग लिया है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और इस विश्वास प्रस्ताव पर अपना विश्वास प्रकट करें ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है, नहीं सीक्रेट बैलेट नहीं है जी, प्रश्न है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे ध्यान है जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस धान परिवार का बच्चा हूं। और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है
नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा, परंतु माननीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी है जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है, पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। उधर हिसार दे विच जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी ने रैली की, जिस दे विच दुष्यंत चौटाला ने लोक सभा चोणां दा ऐलान कर दिता। लोक सभा चोणां लड़िया जाणगियां, राजपाट किसी की बपोती नहीं हुंदी, इह वी इन्हां ने कहा है। और अजय चौटाला जी का जन्मदिन चेहरियां दे विच खुशी लेके आया है। 4.5 साल की सरकार दे विच प्रदेश का बहुत विकास होया, इन्होंने कहा है सरकार साढ़े लाए पौद्यां नूं पाणी दवे मारे ना। से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है, कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है। क्या बोला था कि हम दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है, भिवाणी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए दो सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि एक भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉप अप, ये 6 महीने जोश ला दो, वो नारा भी पूरा करके ये संगठन दिखा देगा आपको। बीजेपी दे विच के कुछ नंबर गेम है, तो बीजेपी के 41 विधायक, माफ करियो, तो कांग्रेस के 30 विधायक ने, और जेजेपी के 10 कोल विधायक ने, और इस अलावा इनैलो का 1 और एचएलपी 1 और आजाद के 7, तो 90 कोल सीटा, और इस 46 का जो बहुमत आंकड़ा चाहिए सी तो फ्लोर टेस्ट पास किया है नायब सरकार ने, और इस उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोल आंकड़ा जिहड़ा वो है कुल आंकड़ा 48 है। तो बीजेपी दे कोल 41 विधायक, 6 आजाद दे विधायक और 1 एचएलपी दा विधायक जिहड़ा उन्होंने नाल है, तो 7 होर विधायकों नूं जोड़ के कुल 48 विधायकों के नाल उन्हों का फ्लोर टैस पास होया। हालांकि वॉयस वोट के नाल फ्लोर टैस जिहड़ा है वह पास होया सी, तो पहले टैस दे विच पास हुई है नायब सरकार।